टाटा ने अपनी टाटा टियागो एंड टाटा टिगोर ICNG जो कार्स हैं वो लॉन्च कर दी। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी इससे रिलेटेड, बट इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टाटा टिगोर CNG एंड ऑरा CNG। बेसिकली ऑरा CNG एकमात्र कॉम्पैक्ट सेडान थी जो अब तक अवेलेबल थी CNG में, लेकिन अब टाटा की टिगोर भी अवेलेबल है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप कोई भी कॉम्पैक्ट सेडान लेने की सोच रहे हैं वो भी CNG वेरिएंट में, तो आपको कौन सी कार कंसिडर करनी चाहिए। बेसिकली मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सी कंसिडर करनी चाहिए, बट यस, अगर आप ऑरा CNG करते हैं तो आपको क्या पॉजिटिव्स मिलेंगे, और अगर आप लेते हैं टिगोर CNG तो आपको क्या पॉजिटिव्स मिलेंगे या फिर क्या नेगेटिव मिलेंगे, दोनों में वाइसी वर्सा आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का DB कार बाइक एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सचिन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं प्राइस और वेरिएंट की। अब ऑरा में तो आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि है ऑरा SCNG, बट टिगोर में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो हम जिस वेरिएंट की बात करने वाले हैं वो होगा XZ CNG, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में आ जाता है ऑरा के। ऑरा का जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 7,74,000 का, एंड जो टिगोर का प्राइस है वो आपको पड़ेगा 7,69,000 का। नौ 5,000 रुपए यहाँ पर आपको ऑरा CNG महंगी देखने को मिलेगी। अब उसमें क्या क्या डिफरेंस आता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके एक्सटीरियर से। ऑरा CNG में आपको LED डेटा रनिंग LED देखने को मिल जाएगी। अगर आप टिगोर की बात करते हैं तो टिगोर में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा XZ वेरिएंट में। उसके लिए आपको उसके अपर वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा, मतलब टॉप वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको दोनों में ही यहाँ पे फॉग लैंप देखने को मिल जाएंगे, ये अच्छी बात है। नहीं भी बात करें यहाँ पर, अगर हम स्पेस की, ग्राउंड क्लियरेंस की, वो सारी चीजें सिमिलर रहने वाली हैं, आपको सब कुछ सिमिलर मिलेगा। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। स्पेस अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ सिमिलर 1920 आप बोल सकते हैं। नाउ इसी के साथ साथ बात करें तो दोनों ही वेरियंट्स में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर टिगोर के साथ एक ये बात अच्छी है कि आप उसको ORVM पर ही टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, बट ऑरा CNG में ऐसा नहीं है। वहां आपको फेंडर पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो थोड़ा सा कम प्रीमियम लगता है, एंड जो ORVM पर टर्न इंडिकेटर है वो आपको थोड़े से ज्यादा बेटर लगते हैं देखने में। एंड अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि हो जाता है सेफ्टी। जैसे आपको पता ही होगा पेट्रोल टिगोर की जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है वो है 4 स्टार, तो इस वजह से काफी ज्यादा सेफ कार है टिगोर एज कम्पेयर टू ऑरा CNG। ऑरा CNG का अभी तक हालांकि कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बट नियोस का हुआ था, नियोस को 2 स्टार स्कोर करा था नियोस ने, तो सेम प्लेटफॉर्म पर है, तो इस वजह से ऑरा CNG से हम कुछ ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेफ्टी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको कंसिडर करनी चाहिए टाटा टिगोर CNG। नाउ बात करते हैं इंटीरियर की, इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टोरेज स्पेस की एंड किसने ज्यादा अच्छे से चीजें डिजाइन करके दी है, तो फिट और फिनिश ज्यादा अच्छी नहीं होती है टाटा की, तो वही आपको सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा टिगोर में भी। हालांकि काफी चीजें आपको अच्छी भी देखने को मिलेंगी, जैसे आपको इसमें स्टार्ट स्टॉप की बटन देखने को मिल जाएगी जो कि आपको ऑरा CNG में नहीं देखने को मिलती है। एंड साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे आपको जो फैब्रिक के थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच होते हैं, फैब्रिक अपोस्ट्री वगैरह, वो देखने को मिल जाएगी साइड में, लाइक डोर पैनल्स में आपको फैब्रिक अपोस्ट्री देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ बात करें ऑरा CNG की, तो ऑरा CNG में आपको कोई भी स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलने वाला है, बट यस उसका जो इंटीरियर वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, एज वो काफी ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करे हुए हैं। कलर्स की बात करें, फिनिशिंग की बात करें, वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है टाटा टिगोर से। एंड वहीं पर अगर हम बात करें थोड़े से जो फैब्रिक क्वालिटी है या फिर सॉफ्ट टच है, वो उसकी भी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है यहाँ पर ऑरा CNG में एज कम्पेयर टू टाटा टिगोर। एंड यहीं पर अगर बात करें हम रियर सीट की, तो रियर सीट पर आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं ऑरा CNG में, बट टिगोर में आपको रियर AC वेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे XZ वेरिएंट में। तो ये कुछ रहेगा इंटीरियर में डिफरेंसेस जो आपको दोनों ही कार के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपको रियर AC वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ऑरा CNG के साथ जा सकते हैं, एंड अगर आप टाटा टिगोर के साथ जाते हैं तो आपको वहां पर स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह ये सब देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो स्पीकर है वो भी आपको टाटा टिगोर में 6 देखने को मिलेंगे, 4 स्पीकर एंड 2 ट्यूटर, बट ऑरा CNG में आपको सिर्फ 4 ही ट्यूटर देखने को मिलेंगे। नाउ बात करते हैं टाटा टिगोर के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की। टाटा ने जब से ICNG निकाला है तो एक काफी अच्छी बात है कि ये जो कार्स रहेंगी ये CNG पर भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऑरा CNG या फिर किसी भी और CNG कार की बात करें तो वो स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले पेट्रोल से स्टार्ट होती है, देन उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है CNG पर। बट टाटा टिगोर और टियागो दोनों ही जो कार्स हैं ये CNG पर भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो एक अच्छा फीचर है जो आपको टाटा टिगोर में एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके साथ अगर बात करें हम
अब दूसरी चीज की जो किया जाता है इसका इंजन। तो बेसिकली दोनों ही कार में जो इंजन है वो आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलेगा, बट टाटा डिकॉर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा एंड ऑरा सीएनजी में आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। नाउ इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर एवरेज की बात करें माइलेज की तो 27 एंड 28 है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट जब सिलेंडर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको एक बात फील होगी कि अगर आप ऑरा सीएनजी की में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा रिफाइंड इंजन मिल जाएगा एंड अगर आप जाते हैं टिगोर में तो आपको थोड़ा सा कम रिफाइंड देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बट स्टिल वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा। तो अगर आप जाते हैं टाटा टिगोर में तो आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, आपको स्टार्ट स्टॉप इंजन बेसिकली जो मेन है वो देखने को मिल जाएगा एंड अगर आप जाते हैं ऑरा सीएनजी में तो आपको वहाँ पे रेयर एसी इवेंट्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें देखने में मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ ऑरा सीएनजी में आपको डिफॉगर नहीं आता है, बट यस आपको टाटा टिगोर में डिफॉगर भी देखने को मिल जाएगा। सो ये है कुछ मेजर डिफरेंसेस दोनों ही कार्स के बीच में, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिसाइड करना। अगर आपके दिमाग में सेफ्टी है एंड आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते अपनी सेफ्टी के साथ तो आप टाटा टिगोर के साथ जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है देखने में एंड अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाएगी। ओवरऑल अगर आप स्पेस की बात करेंगे, स्टोरेज स्पेस की बात करेंगे तो आपको सिमिलर ही मिलेगी दोनों कार्स में, बट यस टाटा टिगोर आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी देगा एंड अगर आपके लिए इंजन रिफाइनमेंट इंटीरियर केबिन एक्सपीरियंस है थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम चाहिए आपको तो आप ऑरा सीएनजी में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो उस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।